Hello friends, welcome to Yuvraj Videos. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में काम करते समय ज्यादा देर काम करने पे क्या होता है. कभी कभी हम लोगों का आंखों में प्रॉब्लम होता है ज्यादा देर लैपटॉप में काम करने की वजह से, या आंखों में दर्द शुरू हो जाता है. तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है. उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, और आप अगर सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो सबके लिए आपको पैसे देना पड़ता है. आज मैं आपको ऐसा एक आइडिया बताऊंगा जिससे कि आप फ्री सॉफ्टवेयर के मदद से अपनी आंखों को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं. तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना होगा. और उस पे लिखना होगा आई सेवर. और ये जो पहला ऑप्शन है www.i-saver.net, इसको आपको इस पे क्लिक करना होगा. बाकी बहुत सारा ऑप्शन है, पर ये मैक्सिमम सब में वायरस होता है. ये जो साइट है ये वायरस फ्री है. तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ अभी. अब इसमें दो ऑप्शन है, ऑनलाइन टेस्ट डाउनलोड. तो मैं इसको क्लिक करता हूं डाउनलोड पे. अब इसमें ये ऑप्शन आएगा कि इसको सेव करने का. तो मैं इसका ऑप्शन चूज करता हूं डेस्कटॉप. और जैसे आप इसमें सेव बटन प्रेस करेंगे इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा. देखिए मैं आपको दिखाता हूं डाउनलोड्स. ये इस पे लिखा है आई सेवर सेटअप. तो इसको आपको क्लिक करना होगा शो इन फोल्डर. तो ये खुल जाएगा ऐसे. तब आपको इस पे राइट क्लिक करना होगा, और इसमें से दो ऑप्शन है ओपन या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. तो अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, या आप ओपन भी कर सकते हैं. मैं बोलूंगा कि बेस्ट ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. अब आप इसमें यस करना होगा. इसमें से आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, जो भी इंग्लिश रहने देते हैं. नेक्स्ट ओके. ऐसे करके आपको इसको प्रोसेस करते जाना होगा. फिर ऑलरेडी और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फिनिश. आपको उसको फिनिश करना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया इसलिए मैं इसको, और ऑलरेडी इंस्टॉल किया है मैंने इसलिए इसको नो करता हूं. तो ये रहा आई सेवर. इस पे एक आइकन बना होगा, और इंस्टॉल होने के बाद ये नीचे आपके सिस्टम ट्रे में शो करेगा. अब वहां से इसको ओपन कर सकते हैं.
और उस पर क्लिक करके आपको करना था शो ऑप्शन पे। तो मैं इसको ओपन कर देता यहीं से, यहां से भी कर सकते हैं आप। देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, इस पे लिखा आई सेवर -, इसका वर्जन है 2.44। देखिए अभी ये जो मेरा लैपटॉप है इसमें ये आई सेवर ऑन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप इसमें कीजिएगा डिसेबल। देखिए आप देख रहे हैं कि आपका लैपटॉप का जो भी स्क्रीन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप इसमें से हेल्थ चूज कर सकते हैं या मूवी, कोई मूवी देखते हैं तो आप इसमें मूवी चूज कर सकते हैं, या हैकर, या आप चाहते कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे तो आपको चूज करना होगा रीडिंग वन। तो इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसमें ब्रेक का ऑप्शन भी है, आप ज्यादा देर काम करते हैं लैपटॉप या पीसी पे तो आप इनेबल ब्रेक के ऑप्शन से इसमें जो भी ब्रेक दिया उसको आप 1 आवर 2 आवर या 30 सेकेंड का ब्रेक मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे कि इसको मैंने 5 को हटाना चाहा, तो इसमें लिखा ओनली नंबर्स बिगर देन 0 आर एक्सेप्टेड। तो इसमें आपको बड़ा नंबर ही डालना होगा, जैसा 7, 8, 9, 10, तब उसके बाद आपको रीसेट सेटिंग पे चूज करना होगा। अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको मैं अनटिक कर देता हूं, MISC ऑप्शन। कभी कभी होता है कि आपका लैपटॉप या पीसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है कुछ देर के बाद, तो अगर आप इसमें ऑप्शन में टिक करेंगे प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम ऑटोमेटिकली स्लीपिंग, तो ये ऑन मोड पे रहेगा, ये क्लोज नहीं होगा। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप आई सेवर सॉफ्टवेयर, जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे यूज कीजिए। So if you like this video friends, it's my request that kindly subscribe the video and press the bell icon and subscribe button. Thank you.